नमस्कार और आदाब। आज शनिचर है, सितंबर के 15 तारीख। पेश है आपके लिए 7 दिन के खबरें। मिनिस्टर फन ओंदरवेस का डायरेक्टर जो है, डायरेक्टर ओंदरवेस का नताशा बेनानोन, ये अल्बर्ट कामरोन इंस्टीट्यूट ACE के स्टूडेंटन को पुकार किए हैं अक्टूबर की पहली तारीख को हाजिरी देने को सुरीनाम्स पेदाहोगिस इंस्टीट्यूट SVE पर। एक ऐलान एक वैकेंट मार्किंग जो मिनिस्टेरी की तरफ से आए है, इसमें कहा गया है कि ACE और SVE फिशेयर की गई है, यानी दोनों एक साथ में जोड़ा गया है। अब सिर्फ एक स्कूल रहेगा, दोनों अलग अलग नहीं, लेकिन सिर्फ SVE रहेगा, सुरीनाम्स पेदाहोगिस इंस्टीट्यूट, जहां पर स्टूडेंटन जो इस पर पढ़ना चाहते हैं जाकर अपना नाम लिखवा सकते हैं और 1 अक्टूबर से सभी को वहाँ पर जाकर हाजिरी देना है। Welkom verlies je voorzitter he bond van leraren en alliantie voor leerkrachten in Suriname. Je iske khilafi, je faisla ke khilafi. Welkom verlies ka ye kehna he ki jo staatsbesluit he 9 oktober 2017 ka sarkar is par ministerie van onderwijs is par gaur nahi kiye he. इसमें साफ लिखा गया है कि FOS स्कूलों पर जो मैक्सिमल अंतराल है ये 500 स्कूलीरा होना चाहिए एक FOS स्कूल पर, और इस पर गौर नहीं किया गया है क्योंकि वेलहो फालीस ये कहते हैं कि अगर ACE का स्टूडेंटन SVE पर अब जाएगा तो वहाँ पर लगभग 1500 स्टूडेंटन हो जाएगा इस स्कूल पर, और ये बहुत ज़्यादा है। ये इनका कहना है कि स्कूल को और छोटा बनाने के बावजूद यहाँ पर और ज़्यादा लोगों को स्कूल पर लिया जाता है और ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, इसलिए वो इस फैसला का खिलाफ है। ये रखेरिंग्स बलैक के ख़िलाफ़ भी है क्योंकि सरकार ने कहा है कि ज़्यादा लोगों को 500 से ज़्यादा स्टूडेंटन को इंस्क्राइब नहीं करना चाहिए एक FOS स्कूल पर। वैसे ये भी फकमोन्स लेदर वेलहो फालीस कहते हैं कि यहाँ पर लोगों को आज़ादी नहीं है, खुद लोग चुन नहीं कर सकते हैं कौन से स्कूल इन लोगों को जाना है या लोग जाना चाहते हैं अपने मर्जी से। मतलब ये है कि लोगों को चाहिए, ये लोग खुद तय नहीं कर सकते हैं इन लोगों को SVE जाना चाहिए और कोई चॉइस और कोई चारा इन लोगों के पास नहीं है। Vakbonds leider Wilco Valies en docenten en studenten, scholieren, jo hai ACE ka, ye sab peshtar hartaal kar chuke the, kyunki jab kaha gaya tha ki ACE aur SVE fusher hoga, to ye sab hartaal kar chuke the, lekin to bhi ye fushering jari hua hai. ये जो मनमानी हो रहा है इसे रुकना चाहिए, और वेलहो फालीस का कहना है कि मिनिस्टर फन ओंदरवेस जो है लिलियन फेरिये, इन्हें जंग के लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि ये सब चुप बैठने वालों में से नहीं है। 10 नौजवान इकोनोमन, इसमें ज़्यादा तौर पर ज़्यादा लोग जो है अभी हाल ही में अंतोन दो कॉम यूनिवर्सिटी फन सुरीनाम पर पास हुए हैं, अपना डिग्री हासिल किए हैं। इन लोगों को मिनिस्टेरी फन फिनंसियल नौकरी पर लिए हैं, यहाँ पर काम पे ये सब रखा गया है। ये सब अनेक काम करने वाले हैं माक्रो फिस्काल और इकोनॉमिक बलै पर मिनिस्टेरी का, यहाँ पर ये सब काम करने वाले हैं। ये जो 10 नौजवान इकोनॉमन हैं, इन लोगों को इस वक्त एक ट्रेनिंग दी जाती है, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ट्रेनिंग इन लोगों को दी जाती है जॉयटन बर्ग के निर्देशन में। जो होग अपगेलेड काडर है, मतलब जो लोग अफस्टूडियर हुए हैं, मिनिस्टेरी का ये कहना है और ये मानना भी है कि इन लोगों को मौका मिलना चाहिए आकर काम करने के वास्ते, इसलिए इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है और उम्मीद है कि ये सब पूरे मन लगाकर काम करेगा, मेहनत करेगा, और अगर ऐसा होगा तो ये देश के वास्ते तरक्की के ओर पर देश को लोग ले जाएंगे, तरक्की के ओर ले जाएंगे और भी इकोनॉमी में लोग अपना मदद देंगे सुरीनाम देश के इकोनॉमी सवारने के वास्ते। रात वन मिनिस्टर्स FAM में ये तय हुआ है कि तारीफ न चुनाल बास सौरख फर्शेकरिंग का ये बढ़ाया जाएगा, ये और ऊंचा होगा। ये तारीफन जो है जो जोरती की गई है, एक एक्सरसिट सी आई है और ये एक्सरसिट सी बनाई है सौरखरात और सेक्रेटारियात ऑन द रात सोशल सीक्रेट सेल्सल का। इन लोगों के ये जोड़ती करने के बाद लोग तारीफ पर आए हैं, जो नया तारीफ होगा बासस सौरख फशीकरिंग के वास्ते। प्रेमी बद्राखन जो है ये एक स्टाट्स बिस्लॉट के जरिए तय हुआ है और ये महीनावार रहेगा उन लोगों के लिए जिनके उम्र 16 साल तक है, 16 साल तक है। ये सब अब सीफन तख तख SID भरेंगे
55 SRD के जगह ये एक फरहोगिंग है महीनावार 32 SRD का। जिन लोगों का उम्र 17 से लेकर 21 साल तुसे 17 और 21 यार है, ये सब अब 119 SRD प्रीमियम बदराग महीनावार भरेंगे और ये है 75 SRD की जगह पर ये और ज्यादा होगा 44 SRD महीनावार और ज्यादा इन लोगों को भरना पड़ेगा। जिन लोगों का उम्र है 21 से लेकर 59, 21 से लेकर 59 साल तक, इन लोगों को अब 260 SRD भरना है 165 SRD की जगह पर, यह एक फरहोगिंग है, तारीख आनपासिंग है 95 SRD का। और 60 यार एंड ओल्डर जो लोग 60 साल के या इससे और ज़्यादा इन लोगों की उम्र है, इन लोगों को अब 377 SRD भरना है 240 की जगह पर, ये एक फरहोगिंग है 137 SRD का महीनावार। सरकार को उम्मीद है कि ये आन पासिंग से फर्शीकरण जो है जिन लोगों को एक पास सौर फर्शीकरण है, इन लोगों का पकेट अब और बेहतर होगा और ये इससे इन लोगों को और बेहतर इलाज और भी दवा अब मिलने वाले है या मिलेगा। ये सरकार ने कहा है क्वालिटेटिव दिनसन का गारंटी दिया जाता है। ये स्टार्स बिस्लर्ट के जरिए ये वेत में लिखा गया है कि यह तारीफन है स्टार्स बिस्लर्ट के जरिए तय हो सकता है या बदला जा सकता है। इसके लिए सरकार को डीएनआ जाना जरूरी नहीं है, डीएनआ में इसका खुद क्योरिंग के जरूरी नहीं है, ये एक स्टार्स बिस्लर्ट के जरिए बदला जा सकता है तो ऐसा हुआ है। सरकार ये भी इंफॉर्मेशन दिए है कि यह वेत बासिकरण जो 2014 में 2014 में जब ये आए है इन्फोर हुआ है या लागू हुआ है, तब से अनेक कारण है, अनेक वजह है, बहुत से ऐसे चीज़ों का दाम बढ़ाया गया है, बहुत से महंगाई आई है, यही कारण है क्यों अब ये तारीफ आन पासिंग बहुत ज़रूरी है। वैसे ये प्रेमिस बढ़ाने से लिखता तारीफन जो है ये सीकन हाउसन का भी बढ़ाया जाएगा, कुछ सीकन हाउसन के साथ अस्पतालों के साथ फशेकरण स्मार्ट खपेन बातचीत कर चुके हैं लिख दाख तारीफन के आन पासिंग के बारे में और भी रेडियोलोहन के साथ भी तारीफ आन पासिंग के बारे में फशेकरण स्मार्ट खपेन जो है ये सब बातचीत कर चुके हैं। मिनिस्टर लिलियन फेरिये ऑनडरवेज वेतनस्काप और कल्चर का ये ऐलान किए हैं कि 25% लोन्स फरहोगिंग जो CLO को मिलने वाली है सरकार से बातचीत करने के बाद अमतनारन को मिलने वाले है। CLO और सरकार ने यह तय किए है बातचीत करने के बाद कि अमतनारन को सितंबर महीना के अंत में यह 25% फरहोगिंग मिलेगा, ये लेयरक्राफ्टन को नहीं मिलेगा, ये लेयरक्राफ्टन के लिए नहीं है। BVL और ALS बॉन्ड फन लेयरारन और अलियांसी फन लेयरक्राफ्टन एंड सुरीनाम ये सब एक खत लिखे हैं मिनिस्टर को और ये कहते हैं कि लेयरक्राफ्टन को अध्यापक जो है इन लोगों को भी हक है या 25% सैलारिस फरहोगिंग पर या लोन आन पासिंग के लिए। लेयरक्राफ्टन इसलिए लोग कहते हैं क्योंकि लेयरक्राफ्टन ये बराबर है लंस दिनारन से, ये खलेक खस्तल थे लंस दिनारन से। फिर ये कहते हैं कि ये लोन्स फरहोगिंग जो लोगों को मिलता है ये तब से शुरू हुआ है जब से लेयरक्राफ्टन हर वार देरिंग का मांग किए है, तब से हर एक लोन्स फरहोगिंग चाहते हैं। जब ये हर वार देरिंग आ चुके हैं और लेयरक्राफ्टन फीसों से निकल गए है तो अब इन लोगों ये सब बराबर नहीं है लंस दिनारन से, इसलिए ये 25% फरहोगिंग जो है ये लेयरक्राफ्टन को नहीं मिलेगा, सिर्फ अमतनारन को मिलेगा, ये मिनिस्टर ने कहे है। BVL और ALS इससे सहमत नहीं है और इन लोगों का कहना है कि एंड सितंबर को इस महीना के अंत में अमतनारन को जो 25% फरहोगिंग मिलने वाले है ये लेयरक्राफ्टन भी चाहते हैं और इस बारे में लोग एक खत में मिनिस्टर को ये इतला किए है। मिनिस्ट्री फॉर बाउतलांस सागन ये ऐलान किए है एक पेश बरीख में कि स्टीफ मेयर ये इसराइल नहीं गए हैं, इसराइल नहीं गए हैं अपना खलोफ ब्रीफन वहां पर पेश करने के वास्ते। सरकार इन्हें नियुक्त किए है, इन्हें बनूम किए है नित रेसिडेंट अम्बासाडोर इसराइल का। मिनिस्ट्री स्टीफ मेयर को ये राय दिए है इसराइल नहीं जाने को और ये राय उन्होंने मान लिए है और वो इसराइल नहीं गए है। वैसे मीडिया में ये खबरें बाहर लाए गया, ये खबरें फैलाया गया है कि स्टीफ मेयर ये इसराइल गए हैं वहाँ पर अपना खलोस ब्रीफन पेश करने के वास्ते, लेकिन ये बात बिल्कुल सच नहीं है ऐसा मिनिस्ट्री फन बाउतलांस साक ने एक पेश बरीख में बताए है।
मैं ये फोर हांगर है खुद बसर मिनिस्ट्रीज का, और पिछले हफ्ते हम आपको बताई थी कि एक स्त्री एक औरत जो बल्खिया में रहते हैं इन पर इल्ज़ाम लगाई है कि वो इसके बलात्कारी किए हैं, इसके बलात्कार किए हैं। जब से यह मामला बाहर आए हैं आसिफ मैं अपने पदवी छोड़ दिए हैं, जितने इनका पदवी थे खेसल का फंक्शन जो थे वो छोड़ दिए हैं कुछ दिनों के वास्ते। इनका ये कहना है कि जब तक ये बेगुनाह साबित नहीं होता है, जब तक ये इनका बेगुनाह ही साबित नहीं होता है, तब तक ये अपना काम जारी नहीं करेगा। वैसे मैयर ये भी बसौदख खेसलक आदफिसर है प्रेसिडेंट देसी बौद्ध का, इसके वास्ते इस काम के वास्ते इनको तनख्वाह भी मिलता है। रात वन मिनिस्टर्स एरफेम बुध को बीते हुए वुंसदाख को कॉन्सेप्ट रेसोल्यूसी जो है नया बजोल्डिंग्स रेक्स का अमतनारन के वास्ते और इन लोगों के बराबरी के लोगों के वास्ते ये खुद क्योर किए हैं, इसके वास्ते अपना रजामंदी दिए हैं। और ये लोन अनपासिंग जो आएगा, ये फरहोखिंग जो अमतनारन को मिलेगा, ये तुरुक वर्किंग से इन लोगों को मिलेगा 1 जनवरी 2017 तक। ये स्कीमा जो है किस तरह से ये पैसा भरा जाएगा, मतलब ये जो तुरुख वर्किंग है कब और कैसे भरा जाएगा, इसके बारे में सीएलओ के साथ अभी सरकार बैठकर बातचीत करने वाली है और तब ये तय होगा कि ये तेवी का कब अमतनारन को मिलेगा। लेकिन जो फरहोखिंग है जो कोपक्राफ्ट फर्स्टर्किंग था पेस्टर अमतनारन को 500 SRD 500 SRD का मिलता था इन लोगों के लोन स्लिप पर, ये अब सलारस में जोड़ती किया गया है और ये नेतो रहना चाहिए, मतलब नेतो अमतनारन को ये 500 SRD मिलना चाहिए और इसके अलावा बजोदहिंग पर अमतनारन को एंड सितंबर को 25% सलारस फरहोखिंग मिलने वाले है। ये लागू है, ये कॉन्सेप्ट रेसोल्यूसी जो एरफेम में खुद गुर हुआ है ये लागू है अलखमीन अमतलक दिन के वास्ते, इंक्लूसिव डिपार्टमेंट्स डायरेक्टर और ऑनर डायरेक्टर के लिए, कॉर्प्स पोलिसी सुरीनाम KPS के लिए, नेशनल लेखर के लिए, कॉर्प्स ब्रांडवेयर सुरीनाम, कॉर्प्स पेनिटेंशियर अमतनारन, इंस्पेक्सी डर इन्फोरेक्टन एंड अक्सेंसन यानी दुवाने के लोगों के लिए, फरप्लेखकुंदन के लिए ये भी लागू है। वैसे ये सलारस जो है जो फरहोखिंग अमतनारन को मिलेगा ये एंड सितंबर से रहेगा। वैसे ये बताने के बाद ज़रूर है ये लोन्स फरहोखिंग के सिलसिले में कि पिछले हफ्ता हम आपको भी बताए थे प्रेसिडेंट देसी बौद्ध जब कुबा से वापस आए अपने इलाज के बाद तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही लगाए थे योहान आदोल्फ पेंगल लुफ्टहाफन पर, और वहाँ पर कहे हैं कि सरकार के लोगों का जो तनख्वाह है ये नहीं बढ़ाया जाएगा, मतलब इन लोगों को ये 500% लोन्स फरहोखिंग नहीं मिलेगा। डेना के लेदन इसमें है और सरकार के लोग प्रेसिडेंट फिस प्रेसिडेंट मिनिस्टर और डीएनए के लोग हैं, ये सब रहेरिंग के लोग सरकार के लोग हैं, इन लोगों को ये फरहोखिंग नहीं मिलेगा। मिनिस्टर फन फिनंसियन ये बताए हैं कि प्रेसिडेंट देसी बौद्ध के कहने पर सेब्यूमा को ये कहा गया है कि इन लोगों का जो लोन स्त्रो केस है रहेरिंग का और डीएनए लेदन का, इस पर ये फरहोखिंग नहीं आना चाहिए क्योंकि इन लोगों को ये फरहोखिंग नहीं मिलेगा। नया लोन रेक्स जो पुलिस का है, पुलिस आपको पता है ये सब फीसों से भी निकल गया है और ये सब अब फीसों नहीं चाहते हैं, इन लोगों का अलग सा लोन रेक्स आना चाहिए, तो ये अभी तक तैयार नहीं है, इसलिए ये महीना के वास्ते सितंबर और मुमकिन भी अक्टूबर महीना के वास्ते इन लोगों को यही अमतनारन का जो बजोदहिंग्स रेक्स रहेगा इसके आधार पर इन लोगों को तनख्वाह मिलेगा। ये सब एरफेम में अभी तक इन लोगों का नया लोन रेक्स जो है करप्स पॉलिसी श्री नाम का सिपाहियों का ये अभी तक खुद क्योर नहीं हुआ है और अभी तक इस पर लोग गिनती कर रहे हैं, जोड़ती कर रहे हैं, तो इन लोगों का ये कहना है कि ये नया बसोल्डहिंग्स रेक मुमकिन अक्टूबर में ये तैयार हो जाएगा, अगर खुद क्योर हो जाएगा तो नवंबर महीना से पुलिस के लोगों यानी KPS करप्स पॉलिसी श्री नाम को एक नया बजोल्डहिंग्स रेक्स मिलेगा जो सिर्फ सिपाहियों के लिए रहेगा। जब तक ये नया बजोल्डहिंग्स रेक्स नहीं आएगा इन लोगों को जो अमतनारन को सितंबर महीना से मिलेगा इसी बजोल्डहिंग्स रेक्स के मुताबिक इन लोगों का तनख्वाह भरा जाएगा। ये आखिरी खबर है आज 7 दिन में। शुक्रिया, नमस्कार और खुदा हाफिज़।